हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सी सेट की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एट वर्क। ओके, उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ जैसे कि एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सभी ने मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना सो दैट कि अलग अलग टाइप्स हम डिस्कस कर सकें। ओके, तो अब सबसे पहले तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, सिंपल वे से बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल टू सिंपल वे से आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सभी ने कोशिश करनी समझने की। ओके, देखिए, फॉर एग्जांपल अपने पास एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए। अब ये ए पर्सन क्या करता है, टाइपिंग वर्क करता है, टाइपिंग कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक घंटे के अंदर ये 5 pages टाइप कर ले। ओके, अब मैं कहती हूँ कि मुझे टोटल ना 50 pages टाइप करने। कितने पेजेस टाइप करने? 50 pages टाइप करने टोटल। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो अब कितना टाइम लगेगा भाई, एक घंटे के अंदर उसने 5 pages करे तो 2 घंटे में कितने हो गए? 10 pages हो गए। 3 घंटे में कितने हो गए? 15 हो गए। दैट मीन्स कि 50 pages करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। एक घंटे में 5 pages तो कितना हो गया? 50 pages हो गए। ओके, दैट मीन्स कि कितना टाइम लगा उसको? 10 hours लग गया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया। अब इनको ना जब हम टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो कुछ कीवर्ड की तरह हम इसको समझ के चलते हैं। कैसे? देखो, जब हम बात कर रहे हैं आर, ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है? हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हम जब कह रहे हैं कि एक घंटे में कितना काम किया, ये जो है ना, इतने पेज टाइप किए, टोटल इतने पेजेस टाइप करने हैं, ये क्या है? वर्क। क्या है ये? वर्क है। अब यहाँ पे उसने कहा कि एक घंटे के अंदर कितने पेजेस, मतलब एक आर के अंदर कितना काम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। क्या बोलते बेटा? एफिशिएंसी बोल रहे थे। एक घंटे के काम को क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक ही एफिशिएंसी कितनी है? 5 pages 5 pages 1 hour। ओके, अब ये तो होगी एफिशिएंसी। अब अगर हम कहते भी टोटल इतने पेजेस टाइप करने, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? एक तरह से टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब टाइम कैसे निकाला मुझे? यहाँ पे मुझे टाइम फाइंड आउट करना था, तो टाइम कैसे मैंने फाइंड आउट किया भाई? 50 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास में कितना आ गया? 10। ओके, तो टाइम कैसे निकाला मैंने? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। क्या है हमारे पास में? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो यहीं से फॉर्मूला जनरेट हो गया। देखो, बिल्कुल सिंपल सा। क्या कि अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? हाँ जी, क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारे पास में कि अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ओके, अगर इसी तरह से मुझे एफिशिएंसी अगर फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? एफिशिएंसी इधर चली गई, टाइम इधर आ गया, दैट मीन्स कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन इन 1 unit time। ओके, 1 unit time क्यों कह रही हूं मैं? 1 hour हो सकता है आपके पास एग्जाम में, 1 day हो सकता है आपके पास में, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो जो भी पर यूनिट आपके पास में, पर यूनिट टाइम जितना भी काम हो रहा है उसको क्या बोलोगे आप? एफिशिएंसी। ओके, इसी तरह से अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम? एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। हाँ जी, अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं तो एक बार दोबारा से बैक करके वीडियो को चेक करेंगे और ये कंसेप्ट जरूर समझना है। अगर ये समझ आ गया, दैट मीन्स कि टाइम एंड वर्क में अब कुछ नहीं है। अब आप खुद देखोगे कुछ भी नहीं है टाइम एंड वर्क के अंदर। काफी इजी टॉपिक है, आप ये कहोगे। देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। क्या है क्वेश्चन? ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी कैन डू ए वर्क इन 20 days, ठीक है। If they work on together on 4 days, then what fraction of work that is left is? अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन 2021 के अंदर ऐसा सा ही क्वेश्चन आया हुआ था, रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो,
यहाँ पे सबसे पहले अभी मैंने क्या बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल वर्क एफिशिएंसी और टाइम, टोटल वर्क एफिशिएंसी और टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 2 पर्सन है ए और बी। ए कह रहा है कि भाई 20 डेज के अंदर वर्क रेस्पेक्टिवली है, दैट मीन्स कि ए का है बेटा 15, ठीक है, और जो बी है वो 20 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मुझे देखना टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए दोनों का। क्या करना है मुझे, एलसीएम निकाल लेना 50 और 20, कितना आ गया अपने पास में 60। अब एलसीएम के लिए भी पूरा डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती, जब आप टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो तो एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, जो बड़े वाला नंबर है ना उसको लो, ये 20 15 से डिविजिबल है नहीं, 22 जो 40 15 से डिविजिबल है नहीं, 23 जो 60 15 से डिविजिबल है, हाँ है, दैट मीन्स कि वही एलसीएम आ गया। ओके, कितना आ गया आपके पास में 60, कितना हो गया 15 4 जो 60, और 20 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा 3। अब एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, दैट मींस कि ये क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी है ये, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। ओके, अब उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर, टूगेदर दैट मीन्स वर्क मीन्स कि आपके पास जैसे उसने टूगेदर कहा है, दैट मीन्स ए और बी दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं, ए एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, बी एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर रहा है, दैट मीन्स अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने यूनिट वर्क हो गया, 7 यूनिट्स वर्क हो गया, दैट मीन्स कि एक दिन के अंदर कितने यूनिट ऑफ वर्क हो गया, हाँ जी 7 यूनिट्स ऑफ वर्क हो गया, क्लियर। अब उसने क्या कहा, दे वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, तो 4 डेज के अंदर कितना यूनिट ऑफ वर्क हो गया, हाँ जी 4 × 7 28 यूनिट्स वर्क हो गया, डन। अब क्वेश्चन है देन व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया। अब देखो टोटल वर्क कितना था 60, जिसके अंदर से 28 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है, कितना हो गया आपके पास में 28 यूनिट वर्क हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास में 32 यूनिट्स वर्क रह गया। अब उसने बट ये नहीं पूछा कि कितने यूनिट वर्क रह गए, कितना फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन किसके कंपैरिजन में, दैट मींस फाइंड आउट करना है हमने टोटल के, तो कितना फ्रैक्शन रह गया, फ्रैक्शन के अंदर अगर मैं देखूं तो कितना हो गया आपके पास में 32 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कितना था आपके पास में 60, कितना वर्क था हमारे पास में 60, तो ये कितना रह गया आपके पास में, 4 से करेंगे 4 × 8 = 12 8/15। ओके, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 8/15, सिंपल, बताओ कोई इसमें डाउट, एक दिन का काम मुझे पता है, जितने दिन गिवन है उतना देख लेंगे कि कितना हो गया वर्क आपका, जो बच गया उसको माइनस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए बी एंड सी, नाउ देयर आर टोटल 3 पर्सन्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days respectively. इन हाउ मैनी डेज ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन क्या कह रहा है, बी और सी उसकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाँ जी फर्स्ट ऑफ क्या करोगे आप, टोटल वर्क फाइंड आउट करोगे। ओके, कैसे, ए 20 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी इन 30 एंड दिस इज 60, क्या बताया मैंने आपको, टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए क्या हो गया आपके पास में 60। ओके, क्या कहा था मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है उससे चेक करो बाकी डिविजिबल है, हाँ जी सारे हैं, दैट मींस कि 60 ही एलसीएम आएगा यहाँ पे, कितना आ गया 3, 60 को 30 से डिवाइड किया 2 and 1, दैट मींस कि ये क्या है, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। अब देखो क्या कहा आपसे, इन हाउ मैनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन थर्ड डे, थर्ड डे दैट मीन्स कि फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे पे ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड डे पे आए तो उसने फिर अगेन 3 यूनिट्स वर्क किया, उसके बाद थर्ड डे, जब थर्ड डे है तो थर्ड डे में ए ने काम किया, उसके साथ में बी और सी दोनों कर रहे हैं, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 यूनिट्स, दैट मीन्स कि 6 यूनिट, दैट मीन्स वट कि 3 डेज के अंदर
थ्री डेज के अंदर कितना यूनिट वर्क हो गया, 3, 3 + 6 कितना हो गया आपके पास में 12 यूनिट ऑफ वर्क हो गया। देन अब 12 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में हो रहा है, 3 डेज के अंदर हो रहा है। 12 यूनिट कितने दिनों में हो रहा है, 3 डेज में, और हमारे पास में कितना वर्क है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट्स कितने में होगा, हाँ जी 3/12 × 60 That means 15 days में, okay? So your answer क्या is 15 days. What is your answer? 15 days. बताए कोई इसके अंदर मुश्किल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, कुछ ना कुछ उसमें चेंज दे रखा होगा। जैसे अब यही था, यहाँ पे उसने कहा कि ए के बी और सी की हेल्प मिल गई। अब यहाँ पे भी ऐसा भी हो सकता था, ए को फर्स्ट डे ए ने खुद ने काम किया, सेकेंड डे उसको बी की हेल्प मिल गई, थर्ड डे उसको सी की हेल्प मिल गई, फिर उसने अकेले ने काम किया, इस तरह से भी आ सकता था एग्जाम के अंदर। तो आपने ये जो उसकी एफिशिएंसीज हैं उनको टोटल कर लेना, और ये देखना है कि जब तक रिपीटेशन नहीं होती तब तक कितना काम हो रहा है, ओके, और कितने दिन के बाद रिपीटेशन हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए कितने टाइम में कर रहा है, 6 days के अंदर, एंड बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी वर्क टूगेदर, क्या है, ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट ₹4,3200। कह रहे कि ए और बी ने एक काम है उसको लिया है कि भी 3200 रुपीज में हम आपका काम कर देंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। बट उन्होंने दोनों ने काम नहीं किया, क्या किया, सी की हेल्प ले ली, थर्ड पर्सन को ले लिया सी को, और 3 दिन में काम को खत्म कर दिया, ओके। देन हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, सी को कितना देना पड़ेगा, सी को कितना पैसा देना पड़ेगा, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाँ जी इतनी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उस केस के अंदर हमने ये देखना है कि तीनों ने काम कितना कितना किया है, उसकी रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको टोटल मनी है उसको डिवाइड कर लोगे, ओके। देखो अब जैसे यहीं पे है, हमें ये पता है कि भाई ए जो है वो 6 days में काम को कर रहा है, बी 8 days में, और सी का मुझे नहीं पता, आई मीन टू से कि भाई एक्स डेज के अंदर कर रहा है, ओके, नहीं पता, दैट मींस कि कोई भी एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उसने क्या कहा, हाँ जी टोटल वर्क कितने टाइम के अंदर खत्म हो रहा है, टोटल वर्क कितने टाइम के अंदर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि फॉर एग्जांपल कि टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट्स है, 24 क्यों लिया मैंने, इन दोनों के एलसीएम के अकॉर्डिंग ले लिया बेटा, ठीक है, तो कितना ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, 3, इसकी एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, इसकी एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, तो इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते कि जो सी है सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए है। अब जरूर नहीं यहाँ पे एक्स लिखोगे यहाँ पे ए लिखोगे, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब देखो उसने क्या कहा कि भाई 3 days में काम खत्म हो गया, अब टाइम कैसे निकालते हैं, हम टाइम कैसे निकालते थे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई तीनों की एफिशिएंसी, जब तीन लोगों ने मिलकर काम किया तो तीनों की एफिशिएंसी लोगे, अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 + 3 = 7, 7 + इसकी एफिशिएंसी कितनी है ए, और ये किसके इक्वल का है बेटा, उसने 3 के इक्वल का है, दैट मींस ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ए की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 21, 3 कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई, ये कितना आ गया हमारे पास में 3, और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्या यहाँ पे 3 नहीं आएगी बेटा, 1 आएगी, ए की कितनी आ गई आपके पास में एफिशिएंसी, 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई ना, देखो ओके। अब यहां पे इसको आप डायरेक्टली भी कैसे कर सकते थे, 24 है, 24 को जब मैं 8 से डिवाइड करती हूं तो मेरे पास 3 आता है ना, तो मुझे इसको टोटल को 8 बनाना है, ऐसे कैसे, 4 + 3 = 7 + 8, ठीक है ना, प्लस 1 करेंगे तभी 8 होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास में ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, हमारे पास में सॉरी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर। अब हमें जो पैसा है उसको डिवाइड करना है, तीनों की रेशियो कितनी आ गई, हाँ जी अगर हम रेशियो ऑफ वर्क फाइंड आउट देख करते हैं तो रेशियो कितनी आ गई आपके पास में, 3:1, अब उसको डिवाइड करते हैं, तो ये था ए, दिस इज बी एंड सी, तो सी को कितना मिलेगा, 1 / टोटल, टोटल इज 8 × 3200, That means 400. Okay, कितना मिला 400 रुपीज।
हाँ जी बताइए, क्लियर है बिल्कुल। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 डेज में। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन द 12 डेज। ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज बी जॉइन हिम। ए ने काम को स्टार्ट किया है, उसके बाद में आफ्टर 12 डेज बी ने ज्वाइन किया है। आफ्टर 12 डेज बी ने ज्वाइन किया है, देन इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म होगा? तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम पहले टोटल वर्क चेक करते हैं कि कितना है, तो ए का कितना है बेटा 16 और बी करता है 12 डेज के अंदर। टोटल वर्क आपके पास में कितना आ गया? 48 यूनिट्स आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास? 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो क्या कहा, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज बी जॉइन। दैट मीन्स कि 12 डेज तक किसने काम किया? सिर्फ ए ने काम किया। तो ए ने, ए डू इन 12 डेज कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 इंटू 12, 36 यूनिट ऑफ वर्क उसने कर दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया बेटा? टोटल वर्क था हमारे पास 48 से अगर मैं 36 को माइनस करती हूँ, कितना आ गया मेरे पास? 12 यूनिट्स आ गया। ओके, अब उसके बाद में बी ने भी ज्वाइन कर लिया। बी ने ज्वाइन कर लिया तो टोटल कितना टाइम लगेगा दोनों को काम को खत्म करने के लिए? ए और बी को टाइम कितना लगेगा? 12 यूनिट। टोटल वर्क है, दोनों की एफिशिएंसी देखो, ए 3 यूनिट वर्क करेगा, बी 4 यूनिट वर्क करेगा। दैट मीन्स कि टोटल 7 यूनिट वर्क हो गया। कितना हो गया? 1:5/7 डेज। कितना टाइम लगा? 1:5/7 डेज। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एंड में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन ये है कि टोटल कितना टाइम लगा। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करें, तो टोटल टाइम आप यहाँ पे देखिए, 12 डेज तो ये हो गए, 12 डेज तो ए ने वर्क किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 1:5/7 डेज। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? हाँ जी, टोटल टाइम 12 + 1 = 13 डेज। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 13:5/7 डेज। क्लियर? हाँ जी, समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, जल्दी शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जैसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में अटैच्ड है, या किसी आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे दो फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तो आप सभी शेयर जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है? द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज 4:6:3। अब तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो आपके पास ऑलरेडी है, मीन्स कि मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर क्या था, हम टोटल वर्क फाइंड आउट करते थे और उसके बाद में हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है कि टोटल एफिशिएंसी तीनों की किस रेशियो में है? 4:6:3। ओके, टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। हाँ जी, आप देखिए टोटल वर्क, अब टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमारे पास क्या था, एफिशिएंसी थी और टाइम, सॉरी टोटल वर्क था और टाइम था। एफिशिएंसी कैसे निकालते थे हम? एफिशिएंसी कैसे निकालते थे आप? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे? एफिशिएंसी इनटू जितने भी उनको टाइम लगे। अब यहाँ पे जो स्पेशली ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि बेटा जिसका टाइम गिवन है ना, उसी की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर था टुगेदर, टुगेदर मीन्स कि यहाँ पे तीनों ने मिलके काम किया, तीनों ने मिलके काम किया, दैट मीन्स कि तीनों की एफिशिएंसी हम कंसिडर करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 4 + 6 + 3 13 हो गया। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में? 13:8। सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 13:8 लिख लेंगे। ओके, अब उसने कहा है कि बताओ ए कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेगा? कितना काम? 3/4 वर्क। 3/4 ऑफ वर्क कितना हो जाएगा बेटा? 3/4 × 13:8। कितना आ गया?
78 यूनिट्स आ गया आपके पास में। अब इसको किसने करना है? ए ने। तो ए को कितना टाइम लगेगा, कितना काम कंप्लीट करना है? 78 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 4। तो कितना आ गया ये आपके पास में? ये हो गया बेटा 36। 19:1/2 days। 19:1/2 days। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते थे, फिर कैंसिल आउट कर देते। ओके, क्लियर है? बताओ कोई इसमें डाउट आ रहा हो माइनर सा? बिल्कुल क्लियर। बस ध्यान क्या रखना है, जिसकी एफिशिएंसी ठीक है उसका ही वर्क, उसी का ही टाइम, तीनों पर्टिकुलर देखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या था कि तीनों मिलके 8 डेज में कर रहे हैं कंप्लीट, दैट मींस व्हाट, कि तीनों की एफिशिएंसी का टोटल करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। ओके, अब जब ए का पूछा गया तो हम ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे हैं, अगर यहीं पे होता बी का तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, अगर टोटल वर्क के साथ पूछा जाता क्वेश्चन तो हम टोटल वर्क के साथ डिवाइड करते। 3/4 का है तो 3/4 ले लेंगे, जो भी आपके पास में। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 80% ऑफ वर्क, 40% ऑफ वर्क, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल वर्क है उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? इफ 50 मैन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 27 डेज, 50 मैन 27 डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, देन हाउ मैनी डेज will be required to complete 2/3 of the project by 40 men। हाँ जी, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास में तो सीधा सा ध्यान रखो, आप एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, m1 d1 divided by w1। किसको बोल रही हूँ मैं? टाइम। m means man, और यू कैन से द वर्किंग पर्सन। अब वर्किंग कई बार यहाँ पे मशीन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, कि इतनी मशीन इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है इतने दिनों में, इस तरह से कुछ। तो जो भी वर्किंग आपके पास में है तो उसको आप क्या लोगे? m1 d1, जितना भी आपके पास में डेज लग रहे हैं। हाँ, अगर उसमें डे और आर भी गिवन है तो आप यहाँ पे h1 को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे, ठीक है? फॉर्मूला दे रही हूँ मैं आपको, इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। m2 d2 h2 divided by w2, जो जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर देंगे, जो पेंडिंग है वो आपके पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर r का तो जिक्र ही नहीं किया, दैट मीन्स कि हम इस फॉर्मूला के अंदर से r को इलिमिनेट कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव ओनली 3 वेरिएबल्स, m1 d1 and w1। अब देखिए, 50 men कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट, हमेशा ध्यान रखो कंप्लीट मीन्स होता है आपके पास 100%। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं, अगर हम फ्रैक्शन के अंदर बात करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये क्या कह रहा है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 इन 27 डेज। डेज की जगह क्या लेंगे हम? 27, और वर्क कितना है? 1, कंप्लीट वर्क। ओके, बाद में क्या है आपके पास? देन हाउ मैनी डेज विल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट बाई 40 men। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 40। डेज फाइंड आउट करने, एंड वर्क कितना है आपके पास में? 2/3। कितना है? 2/3। अभी 2/3 इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ऐसे हो जाएगा। ओके, जब आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो बेटा वो क्या हो जाती है आपके पास? उल्टी हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, डी टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 45 / 2, 22:1/2 days। ओके, सो योर आंसर विल बी 22:1/2 days, 22:1/2 days। क्लियर? यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन अलोन डू द पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी इज 40% लेस एफिशिएंट, दैट मीन्स की एफिशिएंसी बता रहा है। अब अगर हम टोटल एफिशिएंसी की बात करें
तो दैट मीन टोटल मीन्स 100%, टोटल मीन्स 100%, ओके। तो अब यहाँ पे इसमें क्या कहा है, बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क। अगेन टोटल वर्क की बात नहीं हो रही, क्या कह रहे हैं, 80% ऑफ द वर्क, ओके। अब सबसे पहले हम दोनों की एफिशिएंसी देखते हैं, ए और बी की। अगर मैं कहती हूँ कि भाई जो ए है वो टोटल पूरे का पूरा 100% एफिशिएंट है, ठीक, बी कितना है 40% लेस, दैट मीन्स कि वो 60% एफिशिएंट। दैट मीन्स अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी देखूँ तो मेरे पास में कितना आ गया, रेशियो आ गया आपके पास में 5:3। अब एफिशिएंसी की रेशियो आपके पास में गिवन है, ठीक है। साथ में उसने क्या कहा, ए 25 डेज में वर्क को कर रहा है। अभी मैंने क्या बताया, अगर एफिशिएंसी है, टाइम है, दैट मींस कि हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, हाँ जी, किसके डेज गिवन है, ए के, दैट मींस कि टोटल वर्क के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 5 × 25 कितना आ गया आपके पास में, 125 यूनिट्स वर्क आ गया, ओके। अब क्या कह रहा है कि बताओ कि 80% ऑफ वर्क दोनों मिलके कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 80% ऑफ वर्क कितना हो गया, 80%, दैट मींस कि 4/5। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाता, फिर बात वहीं पे ही आ जाती। टोटल कितना आ गया, 100 यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। और कौन करेंगे, दोनों करेंगे, ए और बी। तो टाइम कितना लगेगा दोनों को, ए और बी की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8, दैट मींस कि 12.5 दिन लगेंगे उनको, ओके। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5, ओके, क्लियर। 1/8 बेटा परसेंटेज में होती है, 12/5, और यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 12.5 आएगा, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, ओके। कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अभी मैंने बताया ना कि अगर फ्रैक्शन में है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पे था आपके पास में 3/4 ऑफ द सेम वर्क है ना, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 80% ऑफ दैट वर्क। तो जितना भी गिवन है फ्रैक्शन में गिवन है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ए एंड बी कितने में कर रहे हैं, 16 डेज में। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी इज 2:1, टाइम की रेशियो है, एफिशिएंसी की रेशियो नहीं है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क ए एंड सी इज 3:2, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। अब देखो, आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए हमने, तो सभी में रेशियो का कंसेप्ट देखो कितना ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो रेशियो का कंसेप्ट सभी ने अच्छे से कर लेना। रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे भी, जो आपका डीआई आ जाए एग्जाम के अंदर, या फिर आपके पास में कोई वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो वहां पे भी आपको रेशियो की प्रॉब्लम का कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, ओके। तो सभी ने रेशियो का कंसेप्ट भी कर लेना। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्स का लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। टाइम की रेशियो गिवन है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, ए बी की है 2:1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए सी। जब आपके पास में इस तरह से रेशियो अलग अलग गिवन है तीनों की, तो जो कॉमन है उसको बेटा बीच में रख लो, कॉमन को बीच में रख लो, और तीनों की कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट कर लो पहले। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं ए बी सी, तो बेटा इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो ए कॉमन है, हमने बीच में किसको रखना है, बीच में रखना है हमने जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन है ए, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, बी ए सी, ठीक है। तो बी रेशियो ए क्या रहेगी, अगर ये है 2:1 तो ये कितनी हो जाएगी, 1:2, ओके। और ए सी की रेशियो कितनी है, 3:2। जब हमने कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। रेशियो के अंदर कलेक्टिव रेशियो का कंसेप्ट करवाया था मैंने आप लोगों को डिटेल में। अब ये आ गया हमारे पास टाइम की रेशियो, किसकी रेशियो आ गई हमारे पास, टाइम की रेशियो। अगर हमने एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, तो एफिशिएंसी की रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जो फास्ट काम करेगा उसको कम टाइम लगेगा, जो स्लो काम करेगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आ जाएगी बेटा,
एफिशिएंसी की रेशियो, हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एक तरह से ये बेटा ऐसे हो जाता है 1/3, 1/6, 1/4 इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया ना, एलसीएम निकालेंगे कितना आ गया, तो क्या आ गया आपके पास 4:2:3, तो कितना आ गया आपके पास में 4:2:3। अब एफिशिएंसी की रेशियो है आपके पास, टाइम गिवन है, अब तो कर लोगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आ गया, अब तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आ गया। पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करो, किसका टाइम गिवन है 16 डेज ए बी का, तो ए बी की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की एफिशिएंसी 4+2 6 6 × 16, मल्टीप्लाई ना करो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क आ गया, अब उसमें साथ में क्या गया 3/4 ऑफ द वर्क, तो 3/4 ऑफ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये था आपके पास 16 6 × 16 × 3/4, ठीक है 20 72 यूनिट्स आ गए। अब किसने करना है, ए बी सी टुगेदर, तो ए बी सी टुगेदर अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क का 3/4 ऑफ द वर्क कितने देर में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कंसीडर करोगे, तीनों की एफिशिएंसी देखो कितने, 4 × 2 6 × 3 9 9 8 72, दैट मीन्स की 8 डेज, योर आंसर विल बी 8 डेज, कितना आ गया 8 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी देखिए, जो भी स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे इश्यू आ रहा है, वो स्टूडेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉड्यूल ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि मैडम कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है। तो देखिए बेटा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉड्यूल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, मॉड्यूल्स में आप जाओगे वहाँ से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो, ओके। जिन स्टूडेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रहा है, दे कैन टेक ओनली लॉजिकल रीजनिंग, जिनको इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो इंग्लिश का पोर्शन ले सकते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है सिलेबस तो प्रिपेयर है, टेस्ट कर लेते हैं हम, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, ओके। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम ऐसा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे पूरा लॉजिकल रीजनिंग चाहिए ना इंग्लिश चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, लाइक नंबर सिस्टम मुझे प्रिपेयर करना है, तो नंबर सिस्टम मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। तो देखिए, नंबर सिस्टम के लिए आपने कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज में। सेम वे अगर बच्चा कहता है कि भी मुझे मैम प्रॉब्लम आ रही है किसके अंदर, आपके पास टाइम एंड वर्क में ही प्रॉब्लम आ रही, तो टाइम एंड वर्क मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से चेक करना है और हाई लेवल तक जैसे भी क्वेश्चन है सारे के सारे टाइप्स कवर करनी है, वो उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए कहाँ पे जाओगे बेटा, माइक्रो कोर्सेज में। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सभी का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो, ओके। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।